अस्सलाम वालेकुम यार, ये बरसानी तूफ़ान जो है वो कल रात से जारी है, तो अभी रोड्स वगैरह मरी के जो रोड्स वगैरह हैं वो क्लियर नहीं हो सके। अभी इस टाइम पे ये मैं मरी का जो जनरल बस स्टैंड है इसके करीब की कंडीशन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपको तो पता है कि रास्ते वगैरह भी जो मरी के मेन एंट्रेंस है उस पर भी जो है वो क्लोज़ कर दिए हैं, वो रास्ते वगैरह बंद कर दिए हैं, टूरिस्ट को मरी के लिए जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए इंटर नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो बेचारी थक चुकी है, ये रोड्स वगैरह नहीं क्लियर हो सके। कल का ये बर्फ़ानी तूफ़ान जो है वो जारी है, जिसकी वजह से ये रोड्स वगैरह बंद पड़े। ये देखें, ये गाड़ी जो है वो यहाँ के मकामी ड्राइवर वगैरह इसको रेस्क्यू कर रहे हैं, बेचारे लोगों को उतर के ही जो है वो बड़ी बुरी हालत है यार। ये देखें बेचारी औरतें पैदल चलना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अपनी गाड़ी हरगिज़ ना लाएं। अपनी गाड़ी लाएंगे तो डिफरेंट मसाइल जो हैं वो देखने को मिल रहे होंगे। अपनी गाड़ी मरी के अंदर हरगिज़ नहीं लानी चाहिए। बाकी माल रोड पर जो लोग पहुँच चुके हैं, जिन लोगों ने पहले एडवांस बुकिंग वगैरह करवाई हुई थी, वो तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि ग्रेट, ये मेरे फ्रेंड्स हैं यार, फ्रेंड्स क्या बल्कि भाई हैं, ये मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं कुछ, और कुछ यहाँ पे ऊपर रहते हैं शॉप्स वगैरह पे। तो देखें, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था, जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग वगैरह करवाई हुई थी वो तो मज़े से जो है वो स्नो को इंजॉय कर रहे थे। मैंने आपके साथ जो है वो आज तकरीबन 3 से 4 वीडियोज़ शेयर की हैं। मैंने ख़ुद भी आज माल रोड पे बर्फ़बारी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, एक लाइव सेशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया। असल में मैं तो आज जाना चाह रहा था पिंडी पॉइंट वाली साइड पे, लिफ्ट वाली साइड पे जाना चाह रहा था आज, लेकिन बहुत लेट हो गया था इस वजह से नहीं गया। मैं चाह रहा था चेयर लिफ्ट पे बैठ के लाइव स्नो को एंजॉय करें। अच्छा, परेशान होने की बात नहीं है, कुछ ही देर में ये रास्ते वगैरह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है क्लियर हो जाएंगे। सारी रात ये हैवी मशीनरी जो है वो वर्किंग में है, ये रास्ते वगैरह क्लियर हो जाएंगे। अगर सुबह स्नो रुक जाती है तो टूरिस्ट को भी मरी आने की इजाज़त जो है वो दे दी जाएगी, टूरिस्ट भी मरी आ रहे होंगे, तो इंशाल्लाह सुबह हर किस्म की अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अपनी गाड़ी हरगिज़ ना लाएं, आगे गिलियात साइड पे मूव करने की कोशिश ना करें, बाइक वगैरह हरगिज़ ना लाएं। मुझे तो ये मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती बाइक पे बिठा लिया है, मुझे तो मामा ने घर से बाइक लाने की इजाज़त आपको पता है नहीं दी हुई, मैंने तो बाइक अपना भी नहीं लाया हुआ। ये देखें, यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह अवेलेबल हैं, ये सनी बैंक के करीब हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि मरी से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, मरी जनरल बस स्टैंड से। स्नो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, तो रोड्स की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगेन रिकमेंड करूँगा बाइक ना लाएं, आगे नथिया साइड पे मूव करने की कोशिश हरगिज़ ना करें। ये रोड्स वगैरह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है सुबह तक जो है वो खुल जाएंगे, तो सुबह से टूरिस्ट को भी आम लोगों को भी मरी आने की इजाज़त जो है वो दे दी जाएगी। मेन एंट्रेंस से मुझे भी अभी कोई एग्जैक्टली पता नहीं है, मेरे भी सुनने में भी आया है ये बात कि मेन एंट्रेंस जो है मरी की वहाँ पे जो है वो क्लोज़ कर दिया गया है, टूरिस्ट को मरी आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इस पर क्या है सुबह ही एग्जैक्टली पता चलेगा। मैं तो अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, माल रोड को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है। मैं तकरीबन 5 से 6 वीडियोस आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और सबसे एंड पे चल के ये वाली वीडियो शेयर करूँगा। काफ़ी ज़्यादा स्नो हो चुकी है यार, हम तो सोच रहे थे शायद 2024 में हमें बर्फ़ देखने को ही ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है देखने को मिल गई। ये हम लोग सनी बैंक पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे भी
काफ़ी ज़्यादा स्नो हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि हमें माल रोड पे और इस तरह मरी में की डिफरेंट जगहों में देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है। ये आगे हैवी मशीनरी आ रही है जो कि रोड्स की सफाई करती हुई आ रही है। इंशाल्लाह जल्द ही रोड्स को क्लियर कर दिया जाएगा। और ये आसमानी बिजली चमक रही है। ये अब रोशनी में देखें कितनी तेज़ी से स्नो जा रही है। देखें मशीनरी वर्किंग में है। इंशाल्लाह कुछ ही देर में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और जल्द ही टूरिस्ट को भी मरी आने की जो है वो इजाज़त या परमिशन जो है वो दे दी जाएगी। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि टूरिस्ट को आने से रोका है, मैंने सुना है कि कुछ लोगों से ही सुना है, इसी तरह सोशल मीडिया पे ही सुना है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वाकई टूरिस्ट को रोक दिया गया है। लेकिन रोड्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, फिर कोई नहीं रोक सकता टूरिस्ट को बिला मकसद। देखें ये सिचुएशन है डियर फ्रेंड्स। ये अब हम लोग सनी बैंक जो है वो पहुंच चुके हैं। मेरे ये जो फ्रेंड्स हैं ये दूसरी साइड पे रहते हैं आगे, और मैं यहाँ से दूसरी साइड पे मुझे मूव करना होगा। ये चौक है तो यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स को अल्लाह हाफिज़ कह रहा हूँगा, तो फिर हम लोग जो है वो मैं अपने घर जाऊँगा और ये फ्रेंड्स अपने घर जाएंगे। देखें कैसी कंडीशन है यार रोड्स की। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रोड्स क्लियर हो जाएंगे। ये शनि बैंक चौक है, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रही हैं, रोड पे फिसलन की वजह से ये सब मसाइल हैं। एक मिनट।